Hello everyone, this is Meenakshi Rana. This is the second part of chapter 7, 18th century, political formation. So let's start. Firstly, we will discuss about Bengal. Bengal gradually broke away from Mughal control under Mushid Quli Khan, who was appointed as the Naib, deputy to the governor of the province. बंगाल मुशीद कुली खान के अंडर में मुगल नियंत्रण से धीरे धीरे अलग हो गया जो प्रांत के गवर्नर के रूप में नायब नियुक्त किया गया था यद्यपि कभी कोई फॉर्मल सूबेदार नहीं था मुशीद कुली खान ने बहुत जल्दी उस ऑफिस की सारी पावर को सीज कर दिया था हैदराबाद और अवध के रूलर्स की तरह उन्होंने भी राज्य के राजस्व प्रशासन की कमान संभाली बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के प्रयास में उन्होंने सभी मुगल जागीरदारों को उड़ीसा ट्रांसफर कर दिया था और बंगाल के राजस्व का पुनर्मूल्यांकन किया लुक एट पैरा रिवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश विद ग्रेट स्ट्रिकनेस फ्रॉम ऑल जमींदार रिवेन्यू सभी जमींदारों से बड़ी शक्ति के साथ कैश में लिया जाता था परिणाम स्वरूप कई ज़मींदारों को बैंकरों और साहूकारों से पैसा उधार लेना पड़ता था जो रिवेन्यू पे करने में असमर्थ थे वे अपनी जमीन को बड़े ज़मींदारों को बेचने के लिए मजबूर हो गए थे एटीन सेंचुरी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य का गठन हुआ इसलिए ज़मींदारों के बीच काफ़ी चेंजेज आए स्टेट और बैंकर्स के बीच घनिष्ठ संबंध थे जैसे हैदराबाद में और अवध में थे बंगाल में अली वर्दी खान ने 1740 से लेकर 1756 तक शासन किया उनके शासनकाल में जगत सेठ का बैंकिंग हाउस बहुत समृद्ध था नेक्स्ट पैरा दो दीज स्टेट्स रोज इंडिपेंडेंटली बट देर वर सम कॉमन फीचर्स हालांकि ये राज्य स्वतंत्र रूप से उभरे लेकिन कुछ सामान्य विशेषताएं भी थी फर्स्ट इज सबसे पहले हालांकि कई बड़े राज्यों की स्थापना मुगल नोबल्स द्वारा की गई थी लेकिन वे कुछ प्रशासनिक प्रणालियों से बेहद संदिग्ध थे जो उन्हें विरासत में मिली थी विशेष रूप से जागीरदारी प्रणाली सेकेंड इज कर संग्रह का उनका मेथड भिन्न था राज्य के अधिकारियों पर भरोसा करने के बजाय रिवेन्यू के कलेक्शन के लिए रिवेन्यू फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया इजारादारी की प्रथा मुगलों द्वारा पूरी तरह से अस्वीकृत की गई जो एटीन सेंचुरी में पूरे भारत में फैली हुई थी ग्रामीण एरिया में उनका प्रभाव काफी अलग था ना आई विल टेल यू अबाउट इजारादारी सिस्टम अंडर दिस सिस्टम द राइट टू कलेक्ट वॉज गिवन टू हाइएस्ट बिडर इस सिस्टम में करों को कलेक्ट करने का अधिकार नीलाम किया गया और उच्चतम बोली लगाने वालों को दिया गया था नेक्स्ट पैरा इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरी आम विशेषता अमीर बैंकर्स और व्यापारियों के साथ उनके उभरते संबंध थे इन लोगों ने रिवेन्यू फार्मर्स को पैसा दिया सुरक्षा के रूप में जमीन प्राप्त की और एजेंटों के माध्यम से इन जमीनों से कर एकत्र किया पूरे भारत में सबसे अमीर व्यापारी और बैंकर्स नए राजनीतिक क्रम में हिस्सेदारी हासिल कर रहे थे नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वतन जागीर्स ऑफ द राजपूत्स द मुगल्स फॉलोड जागीर सिस्टम शिफ्टिंग ऑफ जागीर होल्डर फ्रॉम वन जागीर टू अनादर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन वॉज अ कॉमन फीचर ऑफ द सिस्टम। मुगलों ने जागीर सिस्टम को फॉलो किया प्रशासनिक कारणों से जागीरदारों मीन्स जो होल्डर्स होते थे को एक जागीर से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना सिस्टम की एक सामान्य विशेषता थी जागीरस जो उनके होमलैंड में जिमीदारों को सौंपी जाती थी उसे वतन जागीर कहते थे ये वंशानुगत और नॉन ट्रांसफरेबल होती थी वतन जागीरों को आमतौर पर उन जमींदारों को दिया जाता था जिन्होंने मुगल साम्राज्य के विस्तार से पहले से ही अपने होमलैंड या वतन पर अधिकार कर रखा था लुक एट द नेक्स्ट पैरा मैनी राजपूत किंग्स पर्टिकुलरली दोज बिलोंगिंग टू अंबर एंड जोधपुर हैड सर्व्ड अंडर द मुगल्स विद डिस्टिंक्शन कई राजपूत राजाओं विशेष रूप से अंबर और जोधपुर से संबंधित ने मुगलों के साथ काम किया था बदले में उन्हें अपने वतन जागीरों में काफी आनंद के साथ रहने की अनुमति दी गई थी 18 सेंचुरी में इन शासकों ने क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश की उनमें से कई मुगल दरबार में राजनीतिक कार्यों में शामिल थे नेक्स्ट पैराग्राफ दीज इन्फ्लुएंशल राजपूत फैमिलीज क्लेम्ड द सूबेदारी ऑफ द रिच प्रोविंसेज ऑफ गुजरात एंड मालवा इन प्रभावशाली राजपूत परिवारों ने गुजरात और मालवा के समृद्ध प्रांतों की सूबेदारी का दावा किया जोधपुर के राजा अजीत सिंह गुजरात के गवर्नर थे और अंबर के राजा जय सिंह मालवा के गवर्नर थे इन कार्यालयों को 1713 में सम्राट जहंदर शाह द्वारा नवीनीकृत किया गया था उन्होंने अपने क्षेत्रों का विस्तार करने का प्रयास किया नागौर को जीत लिया गया और जोधपुर के घर पर कब्जा कर लिया गया जबकि अंबर ने बंडी के बड़े हिस्से को बंद कर दिया था सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी बनाई और उन्हें 1722 में आगरा की सूबेदारी दी गई 1740 के दशक में राजस्थान में मराठा अभियानों ने इन रियासतों पर भारी दबाव डाला और उनके आगे के विस्तार की जांच की नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द बुक्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ राजा जयसिंह इन अ पर्शियन अकाउंट ऑफ 1732। थर्टी टू राजा जयसिंह वॉज एट द हाइट ऑफ हिज पावर ही वॉज द गवर्नर ऑफ आगरा फॉर ट्वेल्व ईयर्स एंड ऑफ मालवा फॉर फाइव और सिक्स ईयर्स 1732 थर्टी के फारसी अकाउंट में राजा जयसिंह का वर्णन राजा जयसिंह अपनी पावर की ऊंचाई पर थे वे 12 ईयर तक आगरा के गवर्नर रहे और फाइव या सिक्स ईयर तक मालवा के उनके पास एक बड़ी सेना तोपखाने और बड़ी संपत्ति थी उनका मार्ग दिल्ली से नर्मदा के तट तक फैला हुआ था नेक्स्ट टॉपिक इज सीजिंग इंडिपेंडेंस दिक्कस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिक्स इन टू अ पोलिटिकल कम्युनिटी ड्यूरिंग द सेवनटीन सेंचुरी हेल्प्ड इन रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन द पंजाब सेवनटीन सेंचुरी के दौरान एक राजनीतिक समुदाय में सिखों के संगठन ने पंजाब में क्षेत्रीय राज्य निर्माण में मदद की 1699 में खालसा की संस्था के पहले और बाद में राजपूत और मुगल शासकों दोनों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह द्वारा कई लड़ाइयाँ लड़ी गईं लुक एट द नेक्स्ट पैरा द डेवलपमेंट इन पंजाब वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर रीजन्स पंजाब में जो डेवलपमेंट था वो अन्य क्षेत्रों से डिफरेंट था जकारिया खान जो लाहौर के गवर्नर थे ने पंजाब में एक स्वतंत्र राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की लेकिन वह विफल रहे मुख्य रूप से स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार के लिए सिखों के संघर्ष के कारण 1708 हंड्रेड एट में गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद बांदा बहादुर की लीडरशिप के नेतृत्व में मुगल प्राधिकरण के खिलाफ खालसा विद्रोह हुआ गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिखों की चोरी करके उनके शासन की घोषणा की और सतलज और यमुना के बीच अपना प्रशासन स्थापित किया बंदा बहादुर को 1715 में पकड़ लिया गया और 1716 में उसे मार दिया गया सिखों ने खुद को कई छोटे और उच्च मोबाइल जत्थों में संगठित किया और मुगल इम्पीरियल प्राधिकरण को गंभीर चुनौती दी विदेशी आक्रमण पर्शियन और अफगान में प्रांतीय प्रशासन में मेंथा की घुसपैठ और आंतरिक विरोध ने पंजाब में बहुत गंभीर स्थिति पैदा कर दी थी जिसने सिखों को अपना बेस मजबूत करने में मदद की एटीन सेंचुरी के सेकेंड हाफ में अनेकों सिखों ने विभिन्न स्थानीय सरदारों के नेतृत्व में खुद को ट्वेल्व बड़े क्षेत्रीय संघों में फिर से संगठित कर लिया था एक स्वशासी राज्य की स्थापना की प्रक्रिया सेंचुरी की शुरुआत में केवल रंजीत सिंह के अधीन हो गई नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मराठाज लॉन्ग लिव्ड इन द रीजन अराउंड सतारा इन द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द डेकन प्लेट्यू मराठा लंबे समय तक डेकन प्लेटियो के पश्चिमी भाग में सतारा के आसपास के क्षेत्र में रहते थे वे साहसी और निडर योद्धा थे सेवनटीन सेंचुरी में मराठों को शिवाजी के रूप में एक नया नेता मिला जो जनरल शिवाजी भोसले के पुत्र थे जो 1633 से 1636 के बीच अहमदनगर में सक्रिय रहने वाले मुगलों के खिलाफ लड़ाई में आगे रहे लगभग 1658 में शिवाजी ने बीजापुर के मुस्लिम सुल्तानों से दक्षिण पूर्व में मराठों को फ्री किया और बीजापुर और गोलकोंडा सल्तनत और मुग़ल क्षेत्रों का संचालन करते हुए पुणे के चारों ओर एक स्वतंत्र मराठा क्षेत्र बनाया मुगल सम्राट औरंगजेब के ख़िलाफ़ गुरिल्ला वारफेयर के बाद शिवाजी की 1680 में डेथ हो गई मराठा साम्राज्यों को काफ़ी हद तक छोड़ दिया गया लेकिन रणनीतिक और कमजोर रूप से स्थित था लुक एट द नेक्स्ट पैरा आफ्टर शिवाजीज डेथ इफेक्टिव पावर इन द मराठा स्टेट वॉज बिल्डेड बाय अ फैमिली ऑफ चित्तपावन ब्राह्मण हु शब्द शिवाजीज सक्सेसर एज पेशवा और प्रिंसिपल मिनिस्टर मराठा राज्य में शिवाजी की मृत्यु के बाद प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार द्वारा मिटा दी गई थी जिन्होंने पेशवा या प्रमुख मंत्री के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की पूना मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया पेशवाओं के अधीन मराठा विकास एक बहुत ही सफल सैन्य संगठन था जिसमें घुड़सवार सेना पैदल सेना और तोपखाने शामिल थे उनकी सफलता मुगलों के फोर्टिफाइड एरियाज़ को बाईपास करके शहरों पर छापा मारकर और उन क्षेत्रों में मुगल सेनाओं को उलझाकर जहाँ उनकी सप्लाई लाइंस और उनकी सहायक सेना को आसानी से परेशान किया जा सकता था नेक्स्ट पैरा द मराठा एम्पायर एक्सपेंडेड रैपिडली बिटवीन 1720 ट्वेंटी एंड सेवनटीन सिक्सटी वन बाई चिपिंग अवे इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ द मुग़ल एम्पायर मुग़ल साम्राज्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दूर रखते हुए 1720 और 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का तेजी से विस्तार हुआ मालवा और गुजरात को सेवनटीन में छीन लिया गया था सेवनटीन थर्टीज तक मराठा साम्राज्य का लगभग पूरे डेक्कन में विस्तार हो गया था मराठा पूरे क्षेत्र में चौथ और सरदेशमुखी लेते थे चौथ कुल उपज का एक चौथाई था जबकि सरदेशमुखी कुल उपज का दसवां हिस्सा होता था 1737 में दिल्ली पर छापा मारने के बाद मराठा का तेजी से विस्तार हुआ नॉर्थ में राजस्थान और पंजाब ईस्ट में बंगाल और उड़ीसा और साउथ में कर्नाटक और तमिल और तेलुगु देशों का विस्तार हुआ ये सीधे मराठा साम्राज्य में शामिल नहीं थे बल्कि मराठा की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करने के एक तरीके के रूप में सम्मान देने के लिए बनाया गया था विस्तार में बहुत सारे संसाधन आए लेकिन यह एक मूल्य पर आया इन सैन्य अभियानों ने अन्य शासकों को भी मराठों के प्रति शत्रुतापूर्ण बना दिया परिणामस्वरूप वे 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान मराठों का समर्थन करने के लिए इच्छुक नहीं थे लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ अलोंगसाइड एंडलेस मिलिट्री कैंपेंस द मराठास डेवलप्ड एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज़ वेल अनंत सैन्य अभियानों के साथ-साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासनिक प्रणाली भी विकसित की एक बार जब विजय प्राप्त हो गई थी मराठा शासन सुरक्षित था तब रिवेन्यू डिमांड्स को धीरे धीरे स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया इसने मराठा प्रमुखों सरदारों को जैसे ग्वालियर के सिंधिया बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले जैसे शक्तिशाली सेनाओं को खड़ा करने की अनुमति दी नाउ स्टूडेंट्स आई विल टेल यू अबाउट चौथ एंड सरदेशमुखी चौथ आर टैक्स इक्वल टू वन फोर्थ ऑफ द लैंड रिवेन्यू कलेक्टेड बाय द मराठाज फ्रॉम टेरिटरीज आउटसाइड दियर किंगडम मराठाओं द्वारा अपने राज्य के बाहर के क्षेत्रों से एकत्र किए गए एक चौथाई के बराबर लैंड रिवेन्यू को चौथ कहा जाता था सर देशमुखी वन टेंथ ऑफ लैंड रिवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम दियर ऑन टेरिटरीज बाय द मराठाज मराठों द्वारा अपने स्वयं के राज्यों से एकत्र किए गए लैंड रिवेन्यू के दसवें हिस्से को सरदेशमुखी कहा जाता था नेक्स्ट पैरा उज्जैन एंड इंदौर इमर्ज एज अ मेजर कमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर्स अंडर द मराठाज उज्जैन और इंदौर मराठों के अंडर एक प्रमुख कमर्शियल और कल्चरल सेंटर्स के रूप में उभरे मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में नए व्यापार मार्ग बनाए गए रेशम चंदेरी क्षेत्र में उत्पादित होता था जो अब मराठा राजधानी पुणे में है बुरहानपुर जिसने पहले आगरा और सूरत के बीच व्यापार में भाग लिया था अब साउथ में पुणे और नागपुर और ईस्ट में लखनऊ और इलाहाबाद को शामिल करने के लिए अपने हिंटरलैंड का विस्तार किया नाउ आई विल टेल यू अबाउट द जाट्स द जाट्स ए क्लास ऑफ पीजेंट्री लिव्ड इन द रीजन अराउंड दिल्ली आगरा एंड मथुरा जाट और किसान वर्ग दिल्ली आगरा और मथुरा के आसपास के क्षेत्र में रहते थे 1669 में मथुरा के जाट किसान ने गोकुला में विद्रोह किया और शाही फौजदार या कमांडेंट को मार डाला अगले वर्ष विद्रोह को कुचल दिया गया लेकिन 1681 और 1688 में इस समस्या का नवीनीकरण किया गया 1707 हंड्रेड में औरंगजेब की डेथ के बाद उन्होंने दिल्ली का घेराव किया लोगों को लूटा और शाही राजनीति में सक्रिय भाग लिया भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूरामन और बदन सिंह ने की थी जाट शक्ति सूरजमल के अधीन अपने शिखर और गौरव तक पहुंची जिसने 1756 फिफ्टी सिक्स से 1763 तक शासन किया एक सैनिक स्टेट्समैन जैसा कि वह था सूरजमल ने ईस्ट में गंगा से लेकर साउथ में चंबल तक और वेस्ट में आगरा से लेकर नॉर्थ में डेली तक फैले एक विस्तृत राज्य में अपना अधिकार बढ़ाया सो स्टूडेंट्स दैट वॉज योर ऑल चैप्टर आई होप यू हैव अंडरस्टूड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव अ गुड डे